हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन डेट आप यहां पर देखिए, जो कि 10/11/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 10/11/2022 से। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा 30/11/2022 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी आईटी डिग्री डिप्लोमा छात्र हैं, यदि फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं, किस पोस्ट पर ये आपकी वैकेंसी निकल के आ रही और कितनी इसमें सीटें और कितने उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आप नोटिफिकेशन के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसमें ट्रेड, किन किन ट्रेड के लिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। इसमें जो वैकेंसी निकल के आ रही है साथियों, जिस स्टेट में जितनी यहाँ पर सीट खाली है उसके अंतर्गत, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आप देखिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, उसके बाद यहाँ पर TNI और ह्यूमन रिसोर्स और यहाँ पर अकाउंटेंट फाइनेंस और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये आपका निकल के आ रही है, जिसमें टोटल यहाँ पर सीट आपको 45 देखने को मिल जाती है। यहीं आप बिहार में देखेंगे तो यहाँ पर सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ट्रेड कुछ अलग भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर रखा गया, जिसमें टोटल सीट यहाँ पर 36 रखी गई है। नीचे आप आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर असम में भी आपको देखने को मिलता है, यूपी में भी खाली सीट है, हरियाणा में भी खाली सीट है, पंजाब में भी सीट खाली है, दिल्ली में भी खाली है, यूपी में भी खाली है और यहाँ पर बहुत सारे सीट है जहाँ पर जितनी सीट खाली है उसके अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप आसानी से इसको डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पर इसके बारे में पूरी पढ़ पाएंगे। क्योंकि आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर ऐसी भी यहाँ पर आपको सीट देखने को मिल जाती है जिसमें यहाँ पर खाली सीट है, तो उस पर आप फॉर्म को अप्लाई आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नीचे आएंगे साथियों तो यहाँ पर इसके फॉर्म भरने की तिथि का यहाँ पर बताया गया कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 10/11/2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 30/11/2022 तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। जो भी छात्र भरने चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। नीचे आप आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर ट्रेड के साथ क्वालिफिकेशन भी रखा गया, जैसे कि आप टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका ITI होना चाहिए, 10+2 के अंतर्गत होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, इसमें डिप्लोमा के भी छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत उन्होंने डिप्लोमा कम्प्लीट कर रखा है। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, इसमें आपका थ्री ईयर और टू ईयर का यहाँ पर मांगा गया है, जो कि आपका यहाँ पर एंट्री आफ्टर ITI मिनिमम आपका जो होना चाहिए इसमें आपका टू ईयर का कोर्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जो छात्र डिप्लोमा धारक हैं उनका 3 ईयर का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और जो डिप्लोमा धारक हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत देखने को मिल जाती है, इसमें जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है डिप्लोमा और ITI रखा गया है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर बैचलर डिग्री वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर चुके हैं। और ध्यान रखिएगा, आपका ये जो होना चाहिए गवर्नमेंट से होना चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आएंगे साथियों तो यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के अंतर्गत देखने को मिल जाता है, जिसमें ये भी यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपका 12वीं पास मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पर है, वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे साथियों तो यहाँ पर उम्र के बारे में बताया गया, कितनी उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम जो यहाँ पर 18 रखा गया और ज्यादा से ज्यादा आपका 24 होना चाहिए, मतलब कि 18 से 24 वर्ष के जो छात्र हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और उम्र जो उनका काउंट किया जाएगा वो 10/11/2022 से उम्र उनका काउंट किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और TNI के लिए तो यहाँ पर 1 ईयर का ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, और ट्रेड अप्रेंटिसशिप असिस्टेंट HR अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 1 ईयर का रखा गया है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 15 मंथ रखा गया, तो जिस पोस्ट पे आप फॉर्म को अप्लाई करें उसको ध्यान रखिएगा, उस पोस्ट पर यहाँ पर ड्यूरेशन ट्रेनिंग का कितना रखा गया है। ये आपका वैकेंसी आपका अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत यहाँ पर IOCL की तरफ से जारी किया गया, तो जो IOCL का जो रूल है उसके अंतर्गत आपको स्टिपेंड दिया जाएगा, कोई अलग से नहीं दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और जो भी बेनिफिट यहाँ पर जो पुराने छात्र हैं यूनिफॉर्म और जो भी यहाँ पर आपको सीट और
जो सूजेज मिलते हैं वो बिल्कुल आपको मिलेंगे, कोई इसमें आपकी कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें साफ तौर पे लिखा भी गया है। बाकी इसमें अदर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, कुछ यहाँ पर जनरल कंडीशन रखी गई जो कि यहाँ पर आपके काम की नहीं है, कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जनरल दे रखा है, तो आप इसको ध्यान से न देखिएगा। अब यहाँ पर फॉर्म भरने का तरीका को जान लीजिए। ये जो फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने की तिथि मैंने आपको बता दी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, और ये फॉर्म आपका 30/11/2022 से पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना, नहीं तो इसका जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी।